हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनुशील को। तो आज के इस वीडियो पे मैं सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे किसी भी आदमी को कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर किसी भी क्रिएटर को कैसे नोटिफाई कर सकते हो अगर कोई दूसरा बंदा आपका कंटेंट को कॉपी करके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे डाले। तो कैसे कॉपीराइट स्ट्राइक देना होता है या फिर आपको कैसे समझ में आएगा अगर कोई भी आदमी आपका कंटेंट को अपलोड करता है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो इसको समझने के लिए मैं अभी मेरे ही चैनल का एग्जांपल लिया हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्रिएटर स्टूडियो पे आना है। तो मैंने यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो अभी ओपन करके रखा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन जहाँ पे लिखा होगा कॉपीराइट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कॉपीराइट एक ऑप्शन आ रहा है। ये ऑप्शन सिर्फ मोनेटाइज चैनल को ही आता है। जो भी चैनल मोनेटाइज है उसी चैनल को ये ऑप्शन यूट्यूब ने अभी फिलहाल लागू कराया है, मगर सारे लोगों को ये अभी लागू नहीं करवाया है। किसी किसी लोगों को ये आ रहा है और किसी किसी लोगों को ये नहीं आ रहा है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, मान लो कि ये सेफ फॉर एग्जांपल ये जो चैनल है मेरा वो मोनेटाइज नहीं है, तो यहाँ पे आप, ये भी क्रिएटर स्टूडियो है मगर यहाँ पे आप देख सकते हो जो कॉपीराइट वाला ऑप्शन है वो नहीं है। तो अगर आपका चैनल भी मोनेटाइज नहीं है तो आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो ही आपको ये कॉपीराइट वाला जो मैच टूल है ये देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपली से आपको इस पर क्लिक करना है अगर आपका चैनल मोनेटाइज है। तो जैसे ही क्लिक करोगे, अगर आप फर्स्ट टाइम कॉपीराइट टूल को यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ लिखा आएगा और लास्ट पे यहाँ पे एक सबमिट बटन आएगा, एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, एग्री एंड सबमिट। इस पर अगर आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खोल के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है चैनल कॉपीराइट, मतलब आपका अगर कोई भी कंटेंट आपके चैनल का किसी भी दूसरे व्यक्ति यूज करते हैं अपने चैनल पे, तो यहाँ पे जो मैच टूल है इसके अंडर पे सारे कॉपीराइट वाले वीडियो आ जाएगा। तो मेरे केसेस पे यहाँ पे आप देख सकते हो दो वीडियो किसी ने मेरे चैनल का कॉपी करके अपने चैनल पे डाल दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो चैनल का नाम भी है, ये फर्स्ट चैनल है और ये दूसरा चैनल है। तो मैं इन दोनों चैनल के जो ओनर है उन लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप लोग ये वीडियो को देख रहे हो तो मेरे जो कंटेंट आपने कॉपी करके अपने चैनल पे डाले हो उसको तुरंत डिलीट कर दो। यहाँ पे देख सकते हो 100% ऑफ देयर वीडियो, मतलब हमारा जो वीडियो है वो 100% मैच हो रहा है कॉपीराइट टूल पे। मतलब कि 100%, मतलब जैसा वीडियो था वैसा ही कॉपी करके डाल दिया अपने चैनल पे जाके। तो इस केस पे अगर आपका भी चैनल का कोई लोग कोई वीडियो ऐसे ही कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं और आप चाहते हो कॉपीराइट स्ट्राइक देने के लिए, नहीं तो आप चाहते हो उन लोगों को मेल करके बताने के लिए कि आपने मेरे चैनल के कंटेंट को कॉपी करके रखा है उसको तुरंत डिलीट करो नहीं तो मैं आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दूंगा, तो आप कैसे दे पाओगे ये पूरा प्रैक्टिकली आज समझाऊंगा। तो इसके लिए से फॉर एग्जाम्पल मैं पहला वीडियो का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये वाला जो वीडियो है मेरे चैनल का वीडियो किसी तीसरे चैनल ने कॉपी करके डाला है तो उसको मैं आप कॉपीराइट स्ट्राइक दूंगा। तो कैसे दूंगा, इसके लिए आप देख सकते हो ये वीडियो के जो फ्रेम है यहाँ पे आओगे तो तीन ऑप्शन आपको दिखने को लिए मिलेगा। सबसे पहला है मूव टू आर्काइव, दूसरा है रिक्वेस्ट वीडियो रिमूवल, मतलब आप रिक्वेस्ट कर सकते हो वीडियो को रिमूव करने के लिए, ये है रिक्वेस्ट। और ये जो सेकेंड है कॉन्टैक्ट चैनल, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके उस चैनल को बोल सकते हो इसको डिलीट करने के लिए। तो पहले मैं ये ऑप्शन को दिखाता हूँ कैसे स्ट्राइक दिया जाता है। तो मैं सबसे पहले इस पर एक क्लिक कर दूंगा, तो मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करूंगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने खोल के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपीराइट ओनर, मतलब आपका ओनरशिप। तो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब, यहाँ पे देख सकते हो अफेक्टेड पार्टी, मतलब आप अफेक्टेड हो, मतलब आपका कंटेंट को कॉपीराइट किया है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, दो ऑप्शन है। अगर आपका कंपनी का कोई कंटेंट चोरी किया है और उसने कॉपी पेस्ट करके डाला है तो ये आप कंपनी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका क्लाइंट का चोरी किया है तो क्लाइंट सिलेक्ट कर सकते हो। मगर मैक्सिमम जो खुद क्रिएटर होता है, खुद का चैनल होता है, उसको सिर्फ माई सेल्फ सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आता है रिलेशनशिप टू कॉपी राइटेड कंटेंट, कॉपीराइट कंटेंट के साथ आपका रिलेशन क्या है, जो कंटेंट को कॉपी करके डाला है उसके साथ रिलेशन क्या है आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो योर जॉब टाइटल और रोल, तो यहाँ पे आप खुद लिख सकते हो क्रिएटर,
मतलब आपका रिलेशन उस कंटेंट के साथ है, आप ओनर हो, ओनर भी लिख सकते हो, क्रिएटर भी लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ कॉपीराइट ओनर, इसका मतलब है यहाँ पे आपको लिखना है आपका चैनल का नेम। उसके बाद आप कौन सा कंट्री से हो ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं मान लो इंडिया से हूँ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे क्लिक करूँगा और उसके बाद जो भी मेरा कंट्री है उसको मैं लिख के सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे इंडिया है तो मैं इसे इंडिया सिलेक्ट कर लूँगा। तो आप जिस कंट्री से हो उस कंट्री का सिलेक्ट कर लेना, आपका चैनल जिस कंट्री का है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका फ़ोन नंबर देना है, यहाँ पे आपको आपका स्ट्रीट एड्रेस जो है वो देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको आपका प्राइमरी ईमेल जो है वो डालना है, उसके बाद यहाँ पे सिटी डालना है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंडरी ईमेल है तो इस पे सेकेंडरी, अगर आपका कोई ऑप्शनल ईमेल है तो डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री डालना है, और फिर यहाँ पे आपको पोस्ट कोड डालना है। तो ये फॉर्म आपको फिल करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओ तो और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वीडियो को आप डिलीट करवाने के लिए जो पूरा यहाँ पे मैच डिटेक्टेड आप देख सकते हो 0 to 7.34 मिनट, मतलब पूरा वीडियो ही उन्होंने आपका कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो रिक्वेस्ट फॉर रिमूवल, तो ये जो ऑप्शन है ये वीडियो को हम रिमूव करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हो रिमूवल ऑप्शन एंड एग्रीमेंट, आप किस तरीके का स्ट्राइक देना चाहते हो। तो यहाँ पे एक है सबसे पहला वाला जो कि रिमूवल टाइमिंग के साथ, आप उस जो भी आपका कंटेंट को कॉपी किया है उनको 7 दिन का समय, 7 दिन का नोटिस दे रहे हो कि आपका वीडियो को 7 दिन के अंदर अंदर जो भी अपलोड किया है अपलोडर डिलीट या रिमूव कर दे। हाँ, एंड अवॉइड ए कॉपीराइट स्ट्राइक, अगर आप ये सिलेक्ट करोगे तो उनके वीडियो पे कोई भी कॉपीराइट का स्ट्राइक नहीं आएगा, सिर्फ उन लोगों को एक मेल जाएगा जिस पे बोला जाएगा 7 दिन के अंदर अंदर आप कंटेंट को डिलीट कर दो तो आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। इफ दे डोंट द वीडियो इज रिमूव आफ्टर 7 डे, अगर वो लोग वो वीडियो को 7 दिन के अंदर अंदर डिलीट नहीं किया तो यूट्यूब क्या करेगा उस वीडियो को 7 दिन के बाद डिलीट कर देगा, तो इस पे कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। मगर आपने अगर ये जो स्टैंडर्ड वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर दिया रिक्वेस्ट है रिमूवल नाउ, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दिस रिमूवल कैन लीड टू कॉपीराइट स्ट्राइक, मतलब अगर ये आप सिलेक्ट करोगे तो डायरेक्ट कॉपीराइट स्ट्राइक जाएगा और यूट्यूब प्रोसेस करेगा, वीडियो को देखेगा कि सही में आपका कंटेंट कॉपी किया है कि नहीं किया है, वो वैलिडेट करेगा रिक्वेस्ट को। अगर यूट्यूब को लगेगा कि नहीं वो कंटेंट आपका ही था जो कॉपी करके डाला है तो यूट्यूब तुरंत उस वीडियो को डिलीट कर देगा, उसी के साथ इस जो ओनर ने आपके कंटेंट को कॉपी किया था उसको डायरेक्ट स्ट्राइक दे देगा अगर आप ये सिलेक्ट करोगे। मगर इस पर कॉपीराइट नहीं आएगा, 7 दिन के बाद वो डिलीट हो जाएगा। तो आप दोनों में से जो भी चाहो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको ये जो 3 ऑप्शन है लीगल एग्रीमेंट, इन तीनों को सिंपली से चेक चेक करना है, मतलब टिक मार्क कर देना है, ऐसे करके टिक मार्क कर देना है तीनों को। और उसके बाद आपको जो करना है वो है यहाँ पे आपका जो नाम है सिग्नेचर बोला है तो एंटर द फुल लीगल नेम, यूजुअली फर्स्ट नेम एंड सर नेम, मतलब आपका जो नाम है उसको यहाँ पे लिखना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को लिख के आपको फाइनली जो है वो सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक कर दोगे तो आपके चॉइस के अनुसार, मतलब आप ये वाला चॉइस किया तो कॉपीराइट नहीं आएगा और ये वाला किया तो कॉपीराइट आ जाएगा, जो भी आप भेजना चाहो भेज सकते हो। तो ये हो गया 1 वे टू सेंड कॉपीराइट स्ट्राइक टू अदर चैनल, जो भी आपका कंटेंट को चोरी किया है कॉपी किया है। और एक तरीका जो है यहाँ पे ये वाला कॉन्टैक्ट चैनल, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो चैनल के साथ। इसके लिए आपको सिंपली से इस पर क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको आपने जिस मेल आईडी को यूज़ करके यूट्यूब चैनल बनाया है, आपका प्राइमरी ईमेल एड्रेस, या फिर आपको जहाँ पे कॉन्टैक्ट करे वो जिस चैनल ने आपका कंटेंट को कॉपी किया है उसको कॉन्टैक्ट करने के लिए ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख के दे सकते हो। और ऑलरेडी यूट्यूब ने ऑटो जनरेटली मेल लिख के भी रखा है, यहाँ पे देख सकते हो हाय ABCD चैनल, जो भी चैनल ने आपका कंटेंट को चोरी किया है या कॉपी किया है, तो यहाँ पे लिखा है अनदर यूट्यूब चैनल नोटिस देयर कंटेंट इन ए वीडियो दैट यू अपलोडेड, मतलब आपने ऐसा वीडियो अपलोड किया है जो कि हमारे कंटेंट है, आपने हमारे कंटेंट को लेके वीडियो बना के डाले हो। तो यहाँ पे पूरा वीडियो का डिटेल्स दिया जाएगा,
कौन सा चैनल का लिया है, यहाँ पे देख सकते हो मेरा चैनल का नाम है, वीडियो का क्या नाम था, टाइटल था, कौन सा वीडियो था तो वो भी, और आपने कौन सा वीडियो डाला हो जो इस वीडियो से कॉपी करके डाले हो, ये भी डिटेल में रहेगा। और यहाँ पे लिखा रहेगा इफ़ यू यूज़ अनदर चैनल कंटेंट विदाउट परमिशन दे मे आस्क यूट्यूब टू रिमूव योर वीडियो रिमूव रिजल्ट इन ए कॉपीराइट स्ट्राइक अगेंस्ट योर अकाउंट। तो इससे भी आप कॉपीराइट स्ट्राइक जो है भेज सकते हो। तो ये यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो और बात के द्वारा ये मसले को सॉल्व कर सकते हो, अगर आप चाहो कि कॉपीराइट स्ट्राइक दिए बिना ये इशू को सॉल्व करना। ये दो तरीका है, ये दोनों में से कोई भी तरीका को अगर आप यूज़ करोगे और सेंड पे क्लिक करके, यहाँ पे फिर से एक बार दिखा देता हूँ, मैसेज पे यहाँ पे डालने के बाद आपको सिर्फ ईमेल आईडी डालना है और फिर सेंड मैसेज पे डाल देना है, तो इस जो भी चैनल ने आपका कंटेंट को यूज़ किया है उसको डायरेक्ट मेल जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा और वो चैनल देख के रेस्पॉन्स करेगा आपको। तो इस तरीके से भी कॉपीराइट स्ट्राइक को हल किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। तो ये जो मैंने अभी वीडियो पे दिखाया यही तरीका है। अगर आप चाहते हो कि आपके कोई भी कंटेंट किसी दूसरे आदमी ने लिया है तो मैच टूल पे आपको सारे कंटेंट देखने के लिए मिलेगा, कौन सा लोगों ने आपके कंटेंट को कब कब डाउनलोड करके डाला है, तो उन सारे लोगों को आप ऐसे ही जाके रिक्वेस्ट वीडियो रिमूवल से या फिर कॉन्टैक्ट चैनल से करके कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकते हो। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से पूरा क्लियर हो गया है कि कैसे आपको कोई भी चैनल को कॉपीराइट स्ट्राइक देना है और कॉपीराइट मैच टूल को कैसे यूज़ करके चेक करना है कि कौन सा वीडियो ने कौन सा टाइम पे कौन सा चैनल पे डाल के रखा है आपका ही कंटेंट को। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।